गाड़ी कैसी लग रही है लाइट्स के साथ? गाड़ी है भाई अपनी, बुरखा निकाल के चलेगा भाई। ऐसे बंदे जिन्हें अपनी गाड़ी की चाबी भी नहीं पता होती, चाबी फेंक सकते हो, बढ़िया लगेगा। तो भाई हमारे पास यहाँ आ चुके हैं रोहित पहाड़ी, क्या हाल है? थाईलैंड के किंग, नेपाल का प्रिंस, वियतनाम का प्लेबॉय। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं हूँ तुम्हारा भाई अंशुल रस्तो की दास सस्ता ब्लॉगर। तो भाई आज के ब्लॉग में मैं अभी जा रहा हूँ दिव्यांश के साथ कहीं पे, तो अभी दिव्यांश आ रहा है मेरे पास। ओहो कितना ऑरेंज आ रहा हूँ मैं, तो दिव्यांश आ रहा है मेरे पास, फिर हम जा रहे हैं किसी जगह पे कुछ काम के लिए। तो भाई स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, नए व्यूअर हो, तो चैनल यहीं के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और लाइक कमेंट करके जरूर जाना। और भाई सीन ही है ना कि अभी हम जा रहे हैं कुछ काम के लिए जो मैंने आपको बताया, तो वो काम क्या है वो आप अभी ब्लॉग में आगे देखना। तो अभी दिव्यांश आ रहा है, अभी बज चुके हैं दिन के 3, तो मैं तो अभी सो के नहा धो के एकदम रेडी हुआ हूँ। मैं लेट उठा था यार, रात में मैं कुछ वीडियोस देखने लग गया था, तो मुझे सुबह के 6 बज रहे थे। सीन ऐसा हुआ मेरे साथ, कितनी गलत लाइफ है भाई, देखो एक एडिटर की लाइफ ना ऐसी होती है। और यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं मतलब मेरे शूट पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं जब भी वीडियो प्लान कर रहा हूँ मेरा वीडियो स्किप हो जा रहा है यार। मतलब मेरा प्लान चेंज हो जा रहा है कि आज करूंगा तो वो कल हो जा रहा है, कल करूंगा परसों हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। भाई आज संडे है तो देखो सारे लोग पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो रोड पे आज उतना ज्यादा रश नहीं है, वरना गाड़ी लगातार चल रही होती है ना जो वाला फील नहीं है भाई, क्योंकि सारे या तो कपल्स होते हैं भाई, सब पहुंच जाते हैं पहाड़ों में। दिव्यांश ये बिस्किट कल से खा रहे हैं तो अब तक? रीयूज रिसाइकल। क्या हाल है मेरे भाई? क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया बढ़िया। तो यार फाइनली मुझे रिसीव करने ना बहुत हैंडसम इंसान जो कल वाले थे वो आ चुके हैं। क्या हाल है मनीष भैया? मैंने सिर्फ दो स्प्रे मारे, एक इस शोल्डर पे और एक इस शोल्डर पे, ऐसे और ऐसे दुबई वाला वो खत्म दे रहा है, चल रहा है। अच्छा दिवाकर भाई, मैंने सुना है तुम मुझे भाई गाड़ी गिफ्ट करने वाले हो यार, ये तेरे लिए। ये तो चल है ही, अपनी कोई दूसरी गिफ्ट कर यार। दिव्यांश गिफ्ट करेगा मुझे क्या? ये गिफ्ट करेगा मुझे कुछ क्या गिफ्ट करेगा तू? ये लो अब मेरे पास भाई। ये ऐसे बंदे जिन्हें अपनी गाड़ी की चाबी भी नहीं पता होती, चाबी फेंक सकते हो ना, बढ़िया लगेगा। ड्राइवर सीधे सीधे, ओ भाई आगे ला और ला। नहीं यार मेरा भाई जच रहा है गाड़ी पे यार, मेरा भाई जच रहा है यार गाड़ी पे। सर बिग फैन। तो भाई गाड़ी में बंपर लगाने तो आए थे हम, लेकिन गाड़ी क्या लग रही है भाई यहाँ पे? क्यों भाई क्या सेक्सी लग रही है यार भाई, एकदम जरा मालिक आगे जाए, गाड़ी का मालिक आगे जाए, मालिक है, सारे मालिक है भाई। गाड़ी एक नंबर लग रही है, सेक्सी लग रही है, जैसे तुम सेक्सी है ना, तुम कमेंट्स में कहते हैं दिव्यांश इज लुकिंग सेक्सी, गाड़ी भी सेक्सी है। एक रुपए की पेप्सी। दिवाकर भाई तुम ब्लॉग बना रहे हो हमारा। वैसे मनीष भाई एक बात है, पता है जब लाइट पड़ती है ना इतनी सारी इंसान के ऊपर, तो वो स्मार्ट लगने लग जाता है। मेरे बालों का कलर कितना मस्त आ रहा है, देखो बालों के कलर मस्त आ रहे हैं, देखो हेयर कलर देखो मेरा तगड़ा आ रहा है भाई साहब, फॉरेनर वाले कलर आ रहे हैं मेरे बालों का, देखो फॉरेनर तो हो ही तुम यार। कौन सी कंट्री का हूँ नहीं इंडिया का हूँ यार मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आई लव कोरियन पीपल, रशियन पीपल, अरेबियन, आई लव एवरीवन, सारे देश के लोगों से प्यार है मुझे। पता नहीं मेरे देश के लोग मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। जल्दी से भाई करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से भाई। गाड़ी वॉश करा रहा क्या अभी? तो रुके क्यों, चलो फिर चल रहे महिंद्रा चले, वहाँ पे गाड़ी देखनी है। बुरखा निकाल के चलेगा, इसकी हालत देखो, ब्लॉग का सीन ले रहा है और 5 बार हंस गया है, अब देखना फिर देखो। वन बी एच के फ्लैट हो जाएगा पूरा, दिवाकर ऊपर कूद जा भाई। मतलब गाड़ियाँ देख रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियो भी है उधर, एक्सयूवी भी है, एकदम मस्त वाला फील चल रहा है इधर। और ये पता नहीं क्या डिस्कशन में लगे हैं यहाँ पे, क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? दिवाकर भाई वो मर्सिडीज की चाबी तुम पे पड़ी है क्या? वो चाबी किस पे है भाई? देख रहे हो मेरी कार कितनी मस्त लग रही है, फिलहाल अभी 15 मिनट पहले खरीदी मैंने, पैसों में अंधा हो चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने मर्सिडीज खरीद ली। लेकिन भाई क्या लग रही है तुम्हारे भाई की गाड़ी, ये पता नहीं कहाँ है यार भाई, घूमने नहीं चल रहे क्या? चल बड़ी चल। तो भाई हमारे पास यहाँ आ चुके हैं रोहित पहाड़ी, क्या हाल है? थाईलैंड के किंग, नेपाल का प्रिंस, वियतनाम का प्लेबॉय। आज का भी देखा नहीं यार, ये 4 बजे उठाऊं, ये साथ में लेके घूम रहे हैं मुझे।
क्या हाल है देखो ये यस एक इस इंसान को जिम नहीं ले जा पा रहा हूँ। अरे अरे आराम से, अरे बेचारे को छोटा बच्चा समझ के हवा में उड़ा दिया यार। ये देख रहे हो, इसे होता है ब्रोकोड। थाईलैंड हो गया है भाई। दोबारा चलोगे इसे बदले यार, वहाँ खेला कर देगा वहाँ। क्या कर दूंगा, हम तो संयम में रहने लोग है ना। अच्छा। हमें शाम को टाइम पे आगे एडिटिंग भी करनी होती है सारे। हाँ। मनीष भैया दोबारा एक बार क्या कह रहे थे आप? मनीष भैया एक बार और क्या कह रहे थे आप? अभी जो किया वो दोबारा करो ना। अरे करो ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। थंबनेल हो गया। इसका रोहित का थंबनेल जो कल मिली थी तीन हस्ती। तो भाई अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और ये है अभी चोरगलिया वाला जंगल। भाई रात के टाइम पर जंगल में आता तो मज़ा है, लेकिन भाई इस वक्त ना देख रहे हो स्पीड मैंने हल्की करी है, क्योंकि कोई भी जानवर वगैरह अगर आगे आता है ना तो सेफ रहना चाहिए। और इसलिए मैं चला भी सेंटर में रहा हूँ ताकि कहीं भी गाड़ी साइड कर दूँ। और यार मेरी हालत देखो कैसी हो रही है पता है अभी भाई, सामान पैक करते करते अब गाड़ी में देखो कितना सारा सामान है, मेरा कंप्यूटर वगैरह है, कपड़े वगैरह हैं, तो मेरी बैंड बज गई सामान पैक करते करते। तो भाई अभी रात के 10 बज रहे हैं फिलहाल, मैं अभी जा रहा हूँ घर। तो अभी घर भी मेरे यहाँ से है लगभग 40 मिनट लगेगा ही लगेगा, लेकिन रात में एक ड्राइव करके थोड़ा सा सुकून मिलता है मुझे इस रास्ते पर, पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा ना रिलैक्सेशन हो जाता है जंगल के रास्ते से रात में। लोग जंगल का रास्ता रात में अवॉइड करते हैं, मैं वो आदमी हूँ जो जंगल के रास्ते से रात में जाता है फिलहाल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर पहुंचूंगा, घर पे फिर सामान वगैरह रखना है, फिर सो जाऊंगा यार। सारा सामान जो सेट करना होगा ना रूम में वो करूंगा मैं सुबह, क्योंकि कंप्यूटर सेट करना, कपड़े वगैरह निकाल के सब रखना ना बहुत तामझाम का काम है। और यार मेरे साथ एक दिक्कत ये है ना कि पता है क्या, अगर मैं जा रहा हूँ, मैं घर जाऊँ चाहे हल्द्वानी आऊँ, अगर मेरे को लंबे टाइम के लिए जाना है जैसे कि तीन दिन चार दिन से ऊपर तो मेरे को साथ में अपना कंप्यूटर भी ले जाना पड़ता है ढोके, चाहे सितारगंज या हल्द्वानी, और फिर मुझे अपने कपड़े भी रखने पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर मेरा कोई भी प्लान बना कहीं शूट का या कहीं भी आने जाने का ट्रैवल का, तो फिर मेरे पास मेरी चीजें ताकि मेरे पास ऑलरेडी रहें। तो भाई ये वाला सीन रहता है यार, तो यार ये वाला सीन रहता है कि सारी चीजें मेरे पास पहले से मेरे हमेशा अवेलेबल रहें, तो इस चक्कर में सब ढोना पड़ता है, पैक करो फिर ढो, मतलब ना लेबर वाला हाल हो जाता है यार।